एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्चीज मेकओवर। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। गंगूबाई काठियावाड़ी का लुक शेयर करने जा रही हूँ मैं, आलिया भट्ट का। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना गाइज, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अच्छे से इनके फेस को क्लीन कर दूंगी। सो अगर आपने गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, आईडी यहाँ नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। सो फेस क्लीन करने के बाद यहाँ पे अब मैं टोनर लगा रही हूँ। सो टोनर मैं एक कॉटन की हेल्प से टैपिंग मोशन में पूरी स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारे जो पोर्स ओपन हो गए थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, तो अच्छे से हम उसको अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पॉन्ड्स का वाइट जेल क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है समर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, हाईली रिकमेंड है ये आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और इसको हम अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैं एल्प गुडनेस का टोनर सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो सीरम यहाँ पे यूज़ करने से क्या होगा कि आपके फेस पे एक ग्लो आ जाएगा और आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा। तो हम यहाँ पे अच्छे से फेस पे पूरे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सीरम को। और ये जो सीरम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्राइमर। सो प्राइमर यहाँ पे मैं ले रही हूँ पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर, जो काफ़ी अच्छा है, जो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में यूज़ भी किया हुआ है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो प्राइमर लगाने से क्या होगा कि जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और अच्छे से आपका जो फाउंडेशन है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरी स्क्रीन पे, मतलब आपको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्मूथ तरीके से वो स्प्रेड हो जाएगा, और लॉन्ग स्टे के लिए आपका जो मेकअप है वो अच्छे से स्टे करेगा। सो हम पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर, जो कि इनके काफ़ी सारा डार्क सर्कल इनके फेस पे था, तो मुझे वो डार्क सर्कल को हाइड करना था। सो कभी भी डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे मैं अंडर आइज़ पे ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे। अब ऑरेंज करेक्टर में भी बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, तो अगर मैं आप लोग को आगे बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगी कि किस तरह से कौन सा करेक्टर कब यूज़ कर सकते हो। सो अच्छे से हम अपने अंडर आइज़ के नीचे अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आईलिड पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि जो इनकी आईलिड है वो भी थोड़ा सा डार्क थी। अब नोज़ एरिया के साइड में भी लगाऊंगी, क्यूपिड बोन पे भी लगाऊंगी, और थोड़ा सा मैं अभी लिप के नीचे भी अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जितना भी आपके डार्क सर्कल है ना वो रिमूव हो जाएंगे, और अच्छे से आपका मेकअप एकदम सेटल दिखेगा। सो अच्छे से लगाने के बाद अब यहाँ पे इनको एक पिंपल था, तो जिसमें मैंने यहाँ पे ग्रीन करेक्टर का यूज़ किया हुआ है। सो ग्रीन करेक्टर के बाद हम उसके बाद कंसीलर अप्लाई करेंगे, ताकि जो आपका पिंपल है वो हाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। सो ब्यूटी ब्लेंडर मेक श्योर आपका प्रॉपर वेट होना चाहिए, अच्छे से आप उसको गीला करना है, उसके बाद ही आपको उसका पानी निकाल के उसके बाद ही उसको फेस पे अप्लाई करना है एकदम टैपिंग मोशन में। सो यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर को पहले अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि जो भी हम फाउंडेशन अप्लाई करें वो एक में मिक्स ना हो जाए। तो सबसे पहले हम उसको सेट करने के बाद उसको हम पाउडर भी करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं टैपिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ, सेम आप लोगों को यही करना है, और कभी भी आपको फेस पे घिसना नहीं है, टैपिंग मोशन में ही आपको यूज़ करना है ब्यूटी ब्लेंडर का। अब यहाँ पे मैं पाउडर से उसको सेट कर लूँगी, ताकि जो भी फाउंडेशन लगाएंगे वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाए। सो अच्छे से पाउडरिंग हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, जो इनकी स्किन से प्रॉपर मैच हो रहा था। और ये जो फाउंडेशन है मीडियम टू हाई कवरेज है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देता है। आप खुद भी देखना कि कितना ये ब्राइडल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही मैट फिनिश देता है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। मैंने काफ़ी टाइम बहुत टाइम पहले लिया था, तो मैंने इसको दो तीन बार ही ट्राई किया है, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो अगर आप इसको बाय करना चाहो तो डेफ़िनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। सो इसको लगाने के बाद हम अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, तो कंसीलर को हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो भी जहाँ जहाँ भी हमें हाइलाइटिंग चाहिए, सेम हमको वो हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करना है, क्योंकि आलिया भट्ट का जो मेकअप था गंगूबाई में वो बहुत ही लाइट था, बहुत ही ज़्यादा मतलब सटल सा मेकअप था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेकअप नहीं था, सटल सा ग्लोई मेकअप था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सेम उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर मेकअप किया हुआ है। तो सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड भी कर लेंगे।
और आइलिया भट्ट के जो चिक्स थे वो बहुत काफ़ी ज़्यादा पिंक पिंक थे, तो वो भी मैंने ध्यान में रखा हुआ है। और हाईलाइटिंग भी उनका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेकअप लुक कैसा लगा। और मैं और भी काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मेकअप लुक रिक्रिएट करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं किसका मेकअप लुक रिक्रिएट करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे जो मैंने आईलिड पे कंसीलर लगाया था उसको हम अच्छे से पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर देंगे, और अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम उसको सेट कर देंगे, पाउडर से ही सेट करेंगे। आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो गाइज़ अगर आप मुझे बताना कि मैं कौन से सेलिब्रिटी का लुक नेक्स्ट क्रिएट करूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेक श्योर कि आप फेस पे तो फाउंडेशन अप्लाई कर ही रहे हो, बट कभी भी आपको नेक नहीं भूलना है, आपका फेस और नेक सेम कलर में होना चाहिए। तो फेस को भी और नेक को भी आपको फाउंडेशन से अप्लाई करके पूरा नेक और फेस को एक जैसा रखना है। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर, सो यहाँ पे पहले मैं बेकिंग कर लूँगी। बेकिंग से क्या होगा कि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करेंगे वो नीचे फॉल आउट भी होगा, तो वो आपके फाउंडेशन में चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ फटाफट, यहाँ से मैं आईब्रोज कर रही हूँ, तो आईब्रोज थोड़े हम डार्क रखेंगे इसमें, क्योंकि जो आलिया भट्ट की जो आईब्रोज थी वो बहुत ही शार्प दिख रही थी, जिस तरह से मैंने यहाँ पे उसी को ध्यान में रखते हुए उसको क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आई मेकअप नहीं था, इसलिए मैंने पूरा फेस मेकअप पहले किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट किया हुआ है। सो अच्छे से हम एकदम शार्प तरीके से आईब्रो को क्रिएट कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है। अच्छे से आईब्रो को फिल कर लेंगे ताकि एक शेप आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मेरा नीचे फॉल आउट हो गया था, और जो कलर था वो नीचे निकल गया था, तो मैं उसको अच्छे से कंसीलर की हेल्प से उसको सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम देखने जाएँ तो आलिया भट्ट की जो आई मेकअप था वो बहुत ही सिंपल आई मेकअप था, बहुत नॉर्मल सा था, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं खाली उन्होंने एक शेडिंग की थी, आई मेकअप था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर का, जिससे मैं पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दूँगी। कोई भी एक्स्ट्रा कलर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाली हूँ, यही सिंगल कलर मैं यूज़ करके आई मेकअप को क्रिएट करूँगी। और इसको क्या करना है कि पूरे आईलिड पे अप्लाई कर देना है। एक तरह से ये सिंगल कलर आई मेकअप हो गया है, जो मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में। तो अच्छे से हम नॉर्मल सा खाली आई मेकअप करेंगे, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हो बस इतना ही आई मेकअप हम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने बेकिंग की थी उसको एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हम निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कलर आपके गिरे हुए होंगे वो हट जाएंगे वहाँ पे, और अच्छे से पूरे फेस पे हम वापस से पाउडरिंग कर देंगे। सो पाउडरिंग करने के यहाँ पे हम नेक पे भी पाउडरिंग अच्छे से कर लेंगे ताकि जो हमने फाउंडेशन लगाया वो सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कंटोरिंग। सो कंटोरिंग जो है ना, जो आलिया भट्ट की जो फेस था ना उस पर कॉन्टोर पार्ट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, तो यहाँ पे कॉन्टोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करेंगे। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBAC की स्टिक, जो कि काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं और काफ़ी अच्छा है ये, और बहुत अच्छी तरह ये ब्लेंड भी हो जाता है। आप देख सकते हो कि मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो आपका जो फेस है ना, वो अगर ब्रॉड है ना तो थोड़ा स्लिम दिखेगा और काफ़ी अच्छा आपके फेस का लुक आएगा। तो आप इस तरह से, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो आप उसको कॉन्टोरिंग की हेल्प से अच्छे से उसको सेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं सेट करने का भी तरीका आपको बताऊंगी कि आप कॉन्टोरिंग किस तरह से कौन से पार्ट पे कर सकते हो, जिससे आपका जो फेस का जो एरिया है ना वो थोड़ा कम दिखाई दे। तो अच्छे से हम उसको ब्लेंड कर देंगे। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से वो ब्लेंड हो रहा है। अब इनका जो फेस है ना, एकदम ब्रॉड भी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा चौरस जैसा था, तो इनके फेस को हमको कॉन्टोरिंग करना इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको सेट कर दूंगी। आप देख सकते हो, क्योंकि जो क्रीम कॉन्टोर होता है उसको हमको पाउडर से सेट करना इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि कोई भी कलर इधर से उधर ना हो पाए। अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आगे की प्रोसेस हम करेंगे। सो ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। अब जो आलिया भट्ट के जो चिक थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा पिंक दिख रहे थे मुझे, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए एकदम एक पिंक शेड का ब्लश लेकर अच्छे से हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, चिक पे अप्लाई करेंगे। और उनकी जो नोज़ थी ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पिंकी पिंकी दिखाई दे रही थी, तो मैं नोज़ पे भी थोड़ा सा पिंक कलर अप्लाई कर दूंगी।
आप देख सकते हो थोड़ा सा अच्छे से हम पिंक कलर अप्लाई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है इससे। आप अब एंड में देखना कि कितना ज़्यादा प्रॉपर ये मेकअप लग रहा था, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम रिक्रिएट किया हुआ है। अब उनका जो फेस था ना उस पर हाईलाइटिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेस उनका ग्लो कर रहा था। तो यहाँ पे मैं पर्पल का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें से मैंने हाईलाइटिंग के लिए शेड लिया है और उसको मैं अच्छे से हाईलाइटिंग कर रही हूँ और बहुत ही ये नेचुरल दिखता है ये हाईलाइटर, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डेफिनेटली अगर आप इसको बाय करना चाहें तो हाईली रिकमेंड है आप लोगों के लिए, तो आप अगर बाय करना चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो नोज पे भी हम हाईलाइटिंग कर लेंगे अच्छे से और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पसंद आया हुआ है। तो ये जो मेकअप लुक है ना ये मैंने ऐसा कह सकते हैं कि जो मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटी लुक है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद भी आया है। तो मैं आगे भी ये चीज़ फॉलो करने वाली हूँ, काफ़ी सारे लुक मैं रिक्रिएट करूँगी, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब ये पूरे मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नोटिस किया गया है वो उनकी आईज़ पे किया हुआ है, क्योंकि जो उनके उनके उनका जो काजल था ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है इसके अंदर, तो हमने उसी को ध्यान में रखकर एकदम प्रॉपर डार्क काजल अप्लाई किया है। सो काजल मैं यहाँ पे पर्पल का ही अप्लाई कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा काजल है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, वन स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है ये। अब हम इसको यहाँ पे एक स्मजर ब्रश की हेल्प से अच्छे से नीचे साइड की में हम स्मज कर देंगे, क्योंकि उनकी जो उनका जो काजल है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, क्योंकि ज़्यादातर आईज़ पे जो फोकस किया गया है मेकअप में, तो यहाँ पे हम काजल काफ़ी ज़्यादा डार्क रखेंगे और अच्छे से स्मजर ब्रश की हेल्प से हम नीचे से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि वो और भी ज़्यादा डार्क दिखाई दे। आप देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो काजल नीचे अप्लाई किया था उसको एक ब्लैक कलर की हेल्प से अच्छे से पाउडरिंग कर देंगे वो सेट होने के लिए उसको, ताकि जो भी हमारे जो काजल है ना वो फैले नहीं, अच्छे से वो सेट हो जाए। तो आप देख सकते हो हम एक ब्लैक कलर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ही सेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने PAC का ब्रो किट लिया, उसमें से ही मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हम उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, तो लाइनर जो है ना वो नाम मात्र है, मतलब बहुत ही पतली सी लाइनर है, बहुत ही ज़्यादा पतली, वो आपके आईलैशेस से एकदम पास में ही किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है आईलाइनर, बहुत ही नॉर्मल आईलाइनर है। तो मैं यहाँ पे बहुत पतली सी आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, ये लुक रिक्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई मैं जो अपने अपर लैश लाइन है ना उस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, ताकि जो हमारा काजल आईज़ का जो पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट होके बाहर की साइड आवे, तो मैं उसी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर पे हाइलाइटिंग करूँगी, क्योंकि जो पिक्चर में ना हाइलाइटिंग पार्ट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनर कॉर्नर पे हाइलाइट किया हुआ है, तो मैं अच्छे से उसको हाइलाइट कर दूँगी थोड़ा सा नॉर्मल सा। अब जो उनके चीक पे है ना एक डिज़ाइन बनी हुई थी, हम उसको बोल सकते तिल तो नहीं बोल सकते, बट कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्रॉस क्रॉस में बनी हुई थी, तो मैं भी वो यहाँ पे लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर का ही जो है फेसेस कैनेडा का, और उससे ही मैं वो जो लाइन की करी हुई है वो मैं यहाँ पे पिक्चर क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे जो उनका जो बिंदी था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो सेम वही बिंदी मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनसाइड की लिपस्टिक, जो लिपस्टिक तो जो थी ना वो बहुत ही रेड कलर ही थी, बट बहुत ही नॉर्मल सी थी, बहुत ही ज़्यादा डार्क नहीं थी। सो लव यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर दूँगी। अब जो नीचे थोड़ा सा निकल गई थी लिपस्टिक, फैल गई थी, तो उसको मैं कंसीलर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी और एक प्रॉपर लिप को शेप दे दूँगी। आप देख सकते हो मैं किस तरह से दे रही हूँ, और फिंगर टिप की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम नोज़ रिंग पहन लेंगे, जो कि उनकी जो पिक्चर में थी, जो उनकी नोज़ रिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और गोल थी, तो सेम मैंने मीशो से बाय किया था। और गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, और लुक पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।